स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सके और स्वादिष्ट बना सके और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सके। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे मिक्स वेज अचार बनाना सिखाने जा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा कलर है इसका और तेल इसमें बिल्कुल कम है। ये देखिए कहीं से भी आपको तेल बहता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बहुत कम तेल के साथ मैंने इसको तैयार किया है। और इसमें मैंने काफी सारी सब्जियां बनानी है। इसका कलर देखिए बहुत अच्छा है, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के, और इसमें मैं कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करने वाली, कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव इसमें ऐड नहीं करूंगी। उसके बावजूद ये आपका अचार जो है सालों साल चलेगा, आपका साथ देगा। यहाँ पे मैंने सर्दियों की सब्जियां, जो भी हमारे इस समय सीजनल सब्जियां अवेलेबल हैं, उनको ही इकट्ठा करके ये अचार बनाया है। तो इसे आप भी बनाइए, इसमें अचार के आपको टेस्ट भी आएगा और सब्जियों का पौष्टिकता भी। तो जब चाहे तब बनाइए। तो चलिए हम पहले तो इसकी रेसिपी जान लेते हैं और फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये साल पहले तो ये सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके सुखा लिया है। ये बहुत जरूरी है कि सब्जियां हमारी सूखी हुई हो। यहाँ में मैंने ली है मूली, गाजर, बीटरूट, या फिर आप शलगम भी ले सकते हैं, गोभी, अदरक और ये हरी मिर्च और ये कुछ मटर के दाने। इन सबको हमें तैयार करना है पहले मिक्स वेज अचार के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे तैयार करना है। गाजर और बीटरूट इस तरीके से इस पे थोड़ा सा ये कर लिया है। ये बड़ा ग्रेटर है, इससे बड़े बड़े थोड़े से इस पे से जूलियंस निकल रहे हैं। इस तरीके से ही इसको तैयार करना है। अब इसी में मैं ग्रेट करूंगी ये अदरक भी। अचार का मसाला तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मेथी, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और साथ में ये राई। इनको हम यहाँ पे अच्छे से सूखा ही रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए और हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे इसमें नहीं छोड़ेंगे और दूसरे पैन निकाल करके ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये हमारा जो भुना हुआ मसाला था ये पूरा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे और दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा दरदरा पीस करके तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसको बिल्कुल महीन नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहने देना। देखिए यहाँ पे एक बर्तन में मैंने सरसों का तेल ले लिया और इसको धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। आप अपना अचार जो है अपने मनपसंद के तेल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में इसका अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं सरसों के तेल में डाल रही हूँ यहाँ पे अचार। और इसका धुआं उठने तक के इसे गर्म करेंगे। तब तक के चलिए हम अपनी सब्जियों में मसाला मिला लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो कुछ सब्जियां हैं इनको की मैंने घिस करके तैयार किया था, बड़े मोटे वाले जूलेंस में, पतले वाले नहीं, थोड़े मोटे। ये देखिए इस तरीके का, एकदम पतला ग्रेट नहीं करना है इसको, थोड़े मोटे मोटे जूलेंस में तैयार करना है।
पास एक ग्रेटर था, मैंने उससे इसको तैयार कर लिया है। मूली, गाजर, अदरक और चुकंदर बीट, और यहाँ पे थोड़ी सब्जियां मैंने मोटी मोटी काट ली है। ये है हरी मिर्च, गोभी, और ये फिर से जो भी मैं उसमें घिस नहीं पाई थी उसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़े टुकड़ों में काट लिया, वो भी मतलब इतने ही। मैं यहाँ पे छोटा ही अचार बना रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों का ही, क्योंकि मुझे इनको वेस्ट नहीं कराना है। नहीं तो आदमी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अचार लेता है और बाकी छोड़ देता है। और ये है हरी मटर के दाने। तो चलिए हम इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार अच्छे से देंगे यहाँ पे इसको मिक्स। थोड़ी सी घिसी हुई, थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी छोटी, जब मुंह में आते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। गोभी थोड़ी बड़ी लग रही है, इसको भी तोड़ देंगे यहाँ पे। और हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, बहुत कम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्ची भी रखी है। यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, अमचूर पाउडर, और बहुत जरा सा ये गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला है, ऑप्शनल है बिल्कुल। साथ ही हमने ये जो मसाला इसमें पीस करके तैयार किया है ये अचार का, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि ये हर एक हमारे सब्जी के दाने के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, इसलिए हम इसको अच्छा सा मिक्स देंगे यहाँ पे। इसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो अचार है वो खाली ये तेल और मिर्च से ही तेल और नमक से ही प्रिजर्व होगा। नमक इसमें इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा ताकि वो प्रिजर्वेटिव का काम कर सके। तो स्वाद अनुसार नमक से थोड़ा सा ज्यादा ही नमक पड़ेगा। ये देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसमें अपना सरसों का तेल ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमने जो सरसों का तेल गरम करने रखा था इसे बिल्कुल धुआं निकल रहा है, इसे गरम गरम सब्जियों पे डालेंगे ताकि इसमें जो भी नमी है वो भी निकल जाए। हमें कांच की बोतलों में या फिर आपके पास चीनी मिट्टी के मर्तबान हो तो उसमें भर के रखना है। बिल्कुल इसके ठंडे होने का इंतजार नहीं करना है, हमें गरम गरम ही बोतलों में भर करके रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कांच की भरनियों में इसको भर लिया है। अब इस अचार को पहले तो धूप दिखानी है। धूप दिखाने के लिए इसके मुंह पे कपड़ा बांध करके इसको रोज धूप में रखना है। 8-10 दिन अगर इसमें कड़ी धूप लग जाएगी तो ये अचार आपका सालों चलेगा, एक साल भी नहीं सालों चलेगा ये अचार, बिल्कुल खराब नहीं होगा।
और ये खाने के लिए एक हफ्ते बाद बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके बाद से आप उसे अच्छे से सर्व कर सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। तो जब मर्जी आए तब बनाइए, खाइए और मजे लीजिए। धन्यवाद। कैसी लगी आज को आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्ते।